एक तरफ लॉकडाउन की वजह से मजदूरों के जीवन पर संकट आ गया है तो दूसरी तरफ सिस्टम की मार से मनरेगा मजदूरों पर भुखमरी आ गई है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है समस्तीपुर के रूसड़ा प्रखंड से, जहां 3 माह पूर्व मनरेगा के तहत किए गए काम का मजदूरी नहीं मिलने पर दर्जनों मजदूरों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसका समर्थन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी की है। समस्तीपुर के रूसड़ा प्रखंड कार्यालय पर पंचगामा गांव के दर्जनों मजदूरों ने एकजुट होकर अपनी मजदूरी का राशि भुगतान करने की मांग की है। 3 महीना सर काम के लिए हमरा के एक भी पैसा नहीं देलके, हमरा तो बच्चा की भी तबियत खराब छे, एक भी पैसा लिए हम मर सके छे, तब जाके भूखे मर लिए, तब जा सब एक अथी के लिए ना, तब यहाँ पर हम मनरेगा में काम के लिए खाता पर जाय छे, 400 आदमी के पैसा पकड़ा दे छे, अपन निशान द के पैसा निकाल के चल जाय छे। मजदूरों का कहना है कि जून महीना में ही काम हुआ था और अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। हम लोग जब रोजगार सेवक से मजदूरी भुगतान करने की मांग करते हैं तो टालम टोल करते हैं, जिसके चलते हम मजदूर परिवार भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। 3 महीना होने वाला है, अभी तक मजदूरी आज बिहान कर रहा है, पैसा किसी को पैसा डालता है तो 400 रुपया उसको दे दिया जाता है और उसको पैसा निकाल के ले जाता है, निकाल के उसको जो आदमी नहीं काम करता उसी को पैसा दिया जाता है, उसी खाता पर पैसा दिया जाता है, जो हर कोई मजदूर काम करे उसको मजदूरी का पैसा नहीं मिलता है और वो यहाँ से आता है अपना मशीन लेके पैसा निकलवा के चला जाता है। सारा पैसा बाकी है, ये 3 महीना हो गया काम। कितना मजदूर का बाकी है अभी तक? लगभग 300 मजदूर ही होगा उसमें। वही समर्थन कर रहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सुरेंद्र कुमार सिंह मुन्ना ने कहा कि अभी तक 200 मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है, जिसके कारण मजदूर भुखमरी के कगार पर है। पंचगामा हरिपुर ग्राम पंचायत के पंचगामा के मजदूर हैं और लगभग जून महीना में ही वहां काम हुआ और अभी तक 200 मजदूरों को अभी तक मजदूरी की भुगतान नहीं हुई है और जिसके चलते एकाएक ये लोग भुखमरी के कगार पर चले गए और एकाएक आज अभी पीओ साहब से अपना शिकायत करने के लिए आए हैं, लेकिन पीओ ऑफिस में पीओ साहब नहीं हैं। अभी हम देखे हैं जो एक पीओ ऑफिस के एक कोई स्टाफ आए हैं और अभी हम लोग आवेदन ये लोग जो है सो वीडियो साहब को और उस स्टाफ को देंगे। आज लगभग 3 महीना से इन लोगों का मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ, इन लोगों के परिवार में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है और तब मजबूर होकर ये लोग आ जाए हैं और 200 मजदूर ऐसे हैं जिनको मजदूरी की भुगतान नहीं हुई। नाराज मजदूरों ने प्रखंड प्रोग्राम पदाधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 1 सप्ताह में मजदूरी का भुगतान नहीं होता है तो हम लोग प्रखंड प्रोग्राम पदाधिकारी का घेराव करने को मजबूर होंगे। ओंकार ओमी के लिए समस्तीपुर से राजकिशोर।